अब एक ऐसे व्यक्ति का मैं संदेश पढ़ना चाहता हूँ साधकों, जो मुझे ईमेल किया है 2-3 बार, और उसका नाम है अजय चंद्रकांत और वो भिवंडी महाराष्ट्र से हैं। अब जरा उनका संदेश सुन लीजिए आप। इन्होंने 22 मार्च को मुझे लिखा, यानी मेल किया, गुरुजी मेरा आज्ञा चक्र खोल दीजिए या मुझे दिव्य मंत्र दीजिए जिसके द्वारा आज्ञा चक्र खुल जाए। जब जॉब लगने के बाद गुरु दक्षिणा ट्रांसफर कर दूंगा। हमने पढ़ दिया, लेकिन उसमें लिखा था कि मेरा आज्ञा चक्र खोल दीजिए या मंत्र दीजिए तो खुल जाएगा, इसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, जब जॉब लग जाएगी हम आपको दक्षिणा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो साधको मैंने उत्तर दिया कि ये कार्य किसी अन्य गुरु से करवा लीजिए, मैं नहीं कर पाऊँगा। इन्होंने फिर 24 मार्च को इन्होंने मुझे मेल किया, फिर कहा कि 25 मार्च को मेरा इंटरव्यू है, मुझे आशीर्वाद दें, मेरी जॉब लग जाए, जॉब लग जाएगी, मैं आप यानी दक्षिणा आपके ट्रांसफ़र कर दूंगा। इन्होंने दोबारा लिखा, साधकों आपको तो मालूम ही होगा, सैकड़ों नहीं हजारों साधकों को मालूम होगा कि मैं कितनी दक्षिणा लेता हूँ, है ना। अब पता नहीं ये कितनी दक्षिणा देने वाले हैं। इन्होंने ये नहीं लिखा दक्षिणा में कितना देंगे, क्या देंगे। अजय जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप बार बार दक्षिणा की बात करें और आप कहते हैं कि मेरा आज्ञा चक्र खोल दीजिए। मैं आपको राय दूंगा, पहले आप योग की परिभाषा जानिए, योग किसे कहते हैं संक्षेप में बता दूं। चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के योग कहते हैं, प्रयास करते हैं कि चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाए, उसके लिए शुरुआत करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में आंतरिक विकास करते हैं। भैया इससे योग से आंतरिक विकास करते हैं, ये नौकरी की बात कहाँ से आ गई? आपने किस गुरु से या कहाँ लिखा देखा, कहीं ना सुना होगा, चाहे पढ़ा हो चाहे सुना हो। तो भैया जिसने ये ऐसा जिस लेख में पढ़ा हो या जिससे सुना हो, तो ये उन्हीं से कहिए ना कि मेरा आज्ञा चक्र खोल दें। भाई मैं एकदम तो नहीं खोल पाता, और अब मैं मार्गदर्शन से रिटायर भी हो गया हूँ, आप मेरे उसमें आते शिविर में तो देखता शायद हो जाते, मगर उससे जॉब लगने की क्या बात है। यहाँ तो हम कई साधक हैं, यहाँ भी बैठे हुए जिनका आज्ञा चक्र खुला हुआ है, बहुत से साधक हैं मेरे जो आज्ञा चक्र खुले हुए, लेकिन जॉब से क्या मतलब है। फिर कहते हैं कि मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, आपने बताया अभी नहीं कितना ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर कहते हैं कि इंटरव्यू मेरा हो रहा, तो भाई मेरा आशीर्वाद तो आपको है कि ज़िंदगी भर आप खुश रहें, लेकिन इससे क्या मतलब। मैं तो कहता हूँ कि आप एक अच्छे साधक बने, आपकी बुद्धि ऐसी हो कि आप साधना करें और अच्छे साधक बने, ईश्वर आप पर कृपा करें, लेकिन इसका जॉब से क्या मतलब है, यानी नौकरी से क्या मतलब है। और बार बार लिखते हैं कि ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अजय जी आपने वीडियो में देखा होगा, मैं YouTube से पैसे नहीं लेता हूँ। मेरी वेबसाइट में देखिए 5 किताबें मेरी लिखी हुई हैं, बिल्कुल फ्री हैं, वेबसाइट पर हैं, गूगल प्ले स्टोर में है और अमेजन में है, और सभी बिल्कुल पूरी तरह से मुफ्त हैं। जबकि अमेजन से कोई चीज़ मांगो या मंगवाओ तो पैसे लेता है, फिर भी अथक प्रयास करके, और ये प्रयास किया हमारे रवि कांत जी यहीं पे बैठे हुए हैं और रजत जी बैठे हुए हैं, ये सारा कार्य देख रहे थे, तब कहीं जाकर अमेजन ने मुफ्त में वो किताबें रखी। अब सोच लो कि मैंने कितने लोगों ने परिश्रम करके ऑनलाइन किताबें आई और सब मुफ्त कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत नई किताब देखें तो लाखों में हैं, 2 लाख से ज़्यादा हैं, 2 लाख के लगभग तो मेरी ऑनलाइन हो रही, फिर
उसमें है, गूगल प्ले स्टोर में और अमेजन में है, यानी 2 लाख से ज़्यादा है। कुछ लोगों ने अपना चुपचाप अपने वेबसाइट में डाल करके डाउनलोड कराए, उसका भी कुछ मुझे अंदाज है। अगर मैं इनका पैसा जोड़ूं तो करोड़ों में हो जाएगा। और यूट्यूब से लेता तो मेरा जो मेरी ज़िंदगी है ना, आराम से गुजरती। इसके अलावा ना जाने कितने लोगों ने मुझे लिफाफा देने का प्रयास किया है। एक बार एक सज्जन तो यहीं आ गए कानपुर में और लिफाफा दे रहे थे, मैंने नहीं लिया तो रजत जी को देने लगे। और रजत जी तो ऐसे भी कड़क आदमी, क्यों लिफाफा लेंगे? आपको सिर्फ बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।